एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के लोग, चाहे वो गोविंद सिंह हो या अजय सिंह, वही करते हैं जो कमलनाथ जी के खिलाफ जाता है। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले धर्म और संस्कृति की बात करें तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गया है। वैसे कांग्रेस ही कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह के लोग, चाहे वह गोविंद सिंह हो या अजय सिंह, वही करते हैं जो कमलनाथ जी के खिलाफ जाता है। अब कांग्रेस हमें धर्म और संस्कृति सिखाएगी, यही अपने आप में अचंभे की बात है। तुष्टिकरण के राजनीति वाले बात अगर संस्कृति पे करें तो समझ लो कि चुनाव आ गया है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है, जो इस बात का द्योतक है। वो भले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हो, वो भले अपने आप को भावी सीएम नहीं कहते हो, पर उनकी जो बाकी की टीम है, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, ये सारे के सारे लोग वही करते हैं जो कमलनाथ के खिलाफ जाता है। मिश्रा ने बताया, कांग्रेसी जून में उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने का इसलिए कह रहे हैं ताकि उनके यहाँ भीड़ बनी रहे। उन्होंने कहा, जो बात राहुल गांधी ने बंद कमरे में कही थी, उसी बात को गोविंद सिंह ने सार्वजनिक कर दिया। देखिए, कमलनाथ जी अपने आप को स्वयं हुई भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। और जो बात राहुल गांधी जी ने दो दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कह दी। इतना सा अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल पा रहे, वो उन्होंने गोविंद सिंह जी से बुलवा दिए। ये उनकी गुटबाजी है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के विवादित पोस्टर पर गृह मंत्री ने कहा, स्कूल के पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए कहा गया है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।